एज अ सॉन्ग गोज, आरंभ है प्रचंड, शुरुआत जबरदस्त होनी चाहिए और आज की शुरुआत जबरदस्त होगी. एवरीबॉडी यस नो, आई कांट गेट एनर्जी, यस नो, रेडी फॉर इट, ऑल सेट, ऑल राइट, गुड लक टू ऑल एवरीवन. और आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे बहुत बेहतर. थैंक यू सो मच. And sir has come, so everybody please stand up now. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो. आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, feeling excited? Yes. Every time when I come to conduct the induction class, to conduct the first class of the students, I recollect my own college day when I entered the college for the first time for the first class. जब मैं कॉलेज गया था, अब कितने साल पहले गया था ये मत पूछना. लेकिन एक अलग एक्साइटमेंट होता है. आप स्कूल लाइफ का जो पैटर्न था, कॉलेज में आकर के वो थोड़ा बदल जाता है. अभी एक स्टूडेंट से पूछे क्या बदल जाता है, तो बोला सर स्कूल में हर एक सब्जेक्ट की कॉपी लेके जाते थे, कॉलेज में एक रजिस्टर लेके चल जाते हैं. तो सिमेज में खैर ये बदलाव नहीं होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने होंगे और हर एक सब्जेक्ट में आपको क्लासरूम में भी नोट्स तैयार करने होते हैं, और जब आप घर जाते हैं तो खुद से सेल्फ नोट्स भी बनाते हैं. मतलब शायद आप पूरा खोज लो तो भी आपको कहीं कभी किसी कॉलेज में इस तरह का कोर्स नहीं मिलेगा कि नोट्स कैसे बनाना है, हाउ टू मेक नोट्स. इसका एक क्लास करवाएंगे हम लोग, एक नहीं कुछ दिनों तक. क्यों? क्योंकि आपको अभी आता ही नहीं है कि अपना नोट्स बनाना कैसे है. अच्छा, कई कॉलेजेस और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को नोट्स लिखवा देते हैं, क्या ये सही है? बच्चों को तो अच्छा लगता है कि नोट्स लिख रहे हैं, सारा नोट्स बन गया, घर जाएंगे मम्मी पापा देखेंगे तो कॉपी में कुछ काम भी किया हुआ है, कुछ पढ़ाई भी दिखाई पड़ेगी कॉपी में. लेकिन वो पढ़ाई कॉपी में हुई, वो पढ़ाई आपके दिमाग में, जब आप नोट्स बनाएंगे और जब टीचर नोट्स बनाएंगे, दोनों में अंतर क्या होगा? हाँ, जब आप नोट्स बनाओगे और जब टीचर्स नोट्स लिखवाएंगे, दोनों में अंतर क्या होगा? हाँ, जब आप कॉपी पे लिख रहे होते हो, कोई सर या मैम लिखवा रहे होते हैं, लगातार डिक्टेट करते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो, आप चार वर्ड एक लाइन पीछे हो गए, बगल वाले से पूछ लो कहां तक लिखे, उस वक्त आपका दिमाग कुछ समझ रहा होता है कि नहीं समझ रहा होता है? कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी लिखते जाओ. और जब पूरा दो तीन चार पन्ना लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा था सब समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है. अब वो नोट्स जो है वो आपके कंसेप्ट का पार्ट नहीं है. लेकिन अगर आप घर जा करके खुद से नोट्स बना रहे हो, यू गेटिंग माय पॉइंट, तो खुद से एक पन्ना लिखने के लिए भी, अगर किताब में चैप्टर 30 पन्ने का है, 25 पन्ने का है, 20 पन्ने का है, और उसका नोट्स आपने बनाया दो पन्ने में, तीन पन्ने में, तो 30 पन्ने को दो पन्ने में लाने में आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी कि नहीं लगानी होगी? उसका पूरा निचोड़ निकाल लोगे 30 पन्ने का, उसको अपने दो पन्ने में ले आओगे, और वो दो पन्ना बनाने की प्रक्रिया में जब तुम उस सब्जेक्ट को समझोगे ना, फिर तुमको उस सब्जेक्ट को रट्टा मार के याद करना नहीं पड़ेगा. तो ये बड़ा जरूरी है. तो मैं नोट्स की बात कर रहा था, उस सिलसिले में आप लोग अपना एक कॉन्सेप्ट, हम अब मैं इस पर बताऊंगा. आपका जो अभी ब्रिज कोर्स का रूटीन बनाया गया इस बार,
आपके एंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं. इट्स अ कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स एंड वी वांट टू एड्रेस योर प्रेजेंट नीड्स. आपकी जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको एड्रेस करना है.